ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है भाई। पंजाब असेंबली के इजलास में लोटे छाए रहे। इजलास शुरू होने से पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के अरकान ने मुस्लिम लीग नून और यूनिफिकेशन ब्लॉक के खिलाफ मुजाहरा किया। अरकान ने हर रंग और मटेरियल के लोटे उठा रखे थे। खवातीन अरकान ने मुजाहरे के दौरान जेवर पहनने का शौक अनोखे अंदाज में पूरा किया। पीपल्स पार्टी और काफ लीग के अरकान का गुस्सा भला एक मुजाहरे से कहां ठंडा होने वाला था। अरकान ने असेंबली के हाथे में प्लास्टिक के लोटों को फुटबॉल बना लिया और लगे मैच खेलने। किक्के खा खा कर लोटों का तो बुरा हाल हो गया। दूसरी जानिब खवातीन अरकान भी कहां पीछे रहने वाली थी, उन्होंने अपना गुस्सा मट्टी के लोटों पर उतारा। लोटा आखिर लोटा होता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मर्द अरकान असेंबली की ठोकरें खाने वाले लोटों से जब कुछ खवातीन अरकान ने वही सलूक करना चाहा, तो एक लोटा अकड़ गया। एक खातून रुकन असेंबली के पाँव में लोटा फंसा हुआ है। इजलास शुरू हुआ तो वहाँ के हालात बाहर से भी ज्यादा खराब थे। स्पीकर की कोई सुन ही नहीं रहा था, हर तरफ लोटा लोटा की सदाएं बुलंद हो रही थी। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की तकरीर लोटे लोटे के शोर में जारी रही। कुछ अरकान लोटे उछाल रहे थे जबकि कई एक लोटों के प्ले कार्ड्स पर जूते बरसा रहे थे। इस दौरान एक मौके पर अरकान एक दूसरे से उलझ भी पड़े, लेकिन मामला ज्यादा नहीं बढ़ा। इजलास में सबसे अच्छी कारकर्दगी यूनिफिकेशन ब्लॉक ने दिखाई, बेशतर अरकान इजलास से गायब रहे। आज का दिन पंजाब असेंबली की पार्लियामानी तारीख में बिलाशुबा एक काबिले फख्र दिन के तौर पर तो याद नहीं किया जाएगा, लेकिन आज के इजलास में ये बात वाजे हो गई है कि अब नून लीग को पंजाब असेंबली में एक जारहाना अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन फयाज उमर के साथ शमाइला जाफरी, दुनिया न्यूज, लाहौर।